हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करके देने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज सुबह के समय आज के नए दिन को देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु जी आपने हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़कर दे दिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी हम आपकी महिमा करते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने 12 चेलों को बुलाया परमेश्वर, आपने बुलाया और आपके पीछे चलने लगे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने बचाया पिता परमेश्वर, संकट में से निकाला परमेश्वर, संकट से छुड़ाया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके जैसा परमेश्वर और कोई नहीं, आप ही एक सच्चे मात्र जीवित है, अद्वैत हैं और सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है, सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो आप अपने जीवन में आप अद्भुत कामों को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और सब कुछ बदलने की, सब कुछ ठीक करने की परमेश्वर ताकत और सामर्थ्य रखता है। सभी बोले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। सच में परमेश्वर ने बुलाया याकूब, पतरस, यूहन्ना को, अंद्रियास को, मत्ती को, लुका को, और वो इसके पीछे पीछे चलने लगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में जब प्रभु हमें बुलाता है, जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया, और ठीक ऐसा ही एक मनुष्य हम देखते हैं जो पहले उसके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, और यह एक सच्ची घटना है, यह एक सच्ची कहानी है, इसे कहानी भी नहीं कहेंगे, यह रियल है और यह बाइबल में लिखी गई है। हालेलुया, आप जानते हैं कौन था जिसको परमेश्वर ने बुलाया, उसके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन उससे पहले उसका जीवन क्या था? कुछ भी सही नहीं चल रहा था। एक हम देखते उसके जीवन में एक, जिसे कहते हैं असफल व्यक्ति कह सकते हैं, हारा हुआ एक इंसान कह सकते हैं, वो ऐसा व्यक्ति था जो थक चुका था, उसका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था और वह असफल था, और वह कौन था? वह मछुआरा था। और एक दिन की बात है, जो हारा हुआ था, जो असफल था और वह मछुआरा था, और एक दिन की बात है उसके जीवन में एक बार उसकी मुलाकात प्रभु यीशु के साथ हुई और प्रभु यीशु उसके नाम में बैठ गए और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उसे आदेश दिया और कहा, और पढ़िए उस वचन को, लुका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 2 वचन से पढ़ें कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, मतलब पतरस की थी, उसका नाम बाद में पतरस पड़ा, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, किसने कहा? प्रभु यीशु ने शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, चलो तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत ही अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों के किनारे पर ले आए और सब को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं एक असफल व्यक्ति था और उसका नाम पतरस था। हालेलुया, जो कि वो अपने जीवन में हारा हुआ था, जो जब उससे प्रभु यीशु से उसकी मुलाकात हुई और प्रभु ने कहा जाल गहरे में डाल, तो उसने जाल गहरे में डाला
और क्या देखते हैं, मछलियां ही मछलियां, मछलियां ही मछलियां वो भर गई, वो जबकि नाव डूबने लगी इतनी मछलियां। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और ये नहीं, उसने मना नहीं किया, जब प्रभु यीशु ने कहा कि उस तरफ जाल डालो गहरे में, तो उन्होंने मना नहीं किया, बल्कि तुरंत उसने आज्ञा का पालन किया और वैसा ही किया। चल, हम इतनी रात तो मेहनत किया, लेकिन तेरे बोलने से मैं जाल डालता हूँ। और सच में वैसे ही उसके जीवन में हुआ और आशीषें आशीष आई। और उसके बाद तुरंत उन्होंने पश्चाताप किया, प्रभु मैं तो पापी हूँ, और प्रभु ने कहा चल मेरे पीछे हो ले। तो वो पतरस, जो शमौन, जो पतरस कहलाता है, तो वो प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो वो एक पहले साधारण मनुष्य था, जो पतरस था वो कुछ भी नहीं था और असफल व्यक्ति था, हारा हुआ था, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु ने उसे बुलाया तो वो उसके पीछे हो लिया। तो देखते हैं उसके जीवन में सब कुछ बदलने लगा उसका। अब हम देखते हैं उसके जीवन में सब कुछ, एवरीथिंग, वो धीरे धीरे जैसे जैसे मसीह में वो प्रभु यीशु के साथ चलने लगा, वैसे वैसे उसका जीवन भी बदलने लगा और आशीष में होकर वह बदलने लगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ तक कि उसकी बोली भी बदलने लगी, जो कि अनपढ़ था, जो कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो सिर्फ प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलने लगा तो उसकी बोली में भी परिवर्तन आ गया। वो परमेश्वर के समान ही, मतलब वो बोलने लगा। और अब पढ़िए उस वचन को, जब उसकी बोली, आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चला कि उसकी बोली चेंज हो गई, उसकी बोली बदल गई। आप पढ़िए उस वचन को, पढ़ सकते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को क्या किया गया था, जब प्रभु यीशु मसीह को रोमन सैनिकों ने, जो उसे पकड़कर ले गए थे प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन वहाँ पर क्या देखते हैं, पतरस जो था वो बाहर आंगन में था और प्रभु यीशु को दूर से खड़े हुआ देख रहा था, लेकिन दूसरे लोग बोल रहे थे अरे तेरे बोली से तो पता चलता है कि तू उनमें से एक है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के लोगों में से, उसके चेलों में से तू एक है, क्योंकि तेरी बोली से पता चलता है। उन लोगों ने पहचान लिया, क्योंकि वो जो बोली बोलता था वो यीशु मसीह की जैसी ही बोली बोलता था, क्योंकि वो उन्होंने प्रभु, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवा की तीन वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह के साथ चला, उसके साथ सेवा किया, उसके साथ खाना खाया, उसके पीछे पीछे चला सब कुछ किया, और इसलिए उसका स्वभाव बदल गया, उसका जीवन बदल गया, तो उसकी बोली भी बदल गई। जैसे प्रभु यीशु बोलते थे वैसे ही वो बोलने लगा। हालेलुया, यहां तक कि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह आया, इस दुनिया में आया, उसके क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके बाद मर के जी उठा, जी उठने के बाद और फिर वो स्वर्ग में अपने चेलों की आंखों के सामने वो ऊपर उठा लिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस के जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत काम हुआ और वो प्रचार करने लगा, और जब प्रचार करता तो या और प्रचार किया तो इतने लोग उनका जीवन बदल जाता था, उद्धार पाते थे, बपतिस्मा लेते थे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो देखो, जो साधारण मनुष्य था वो बदल गया। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। तो वो उसके पीछे पीछे चलने लगा और आशीष पर आशीष प्राप्त करते गया। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में कोई इंसान कैसे परमेश्वर के पीछे पीछे चल सकता है, ये बहुत ही एक अलग सी बात है। इसे हम कह सकते हैं एक सच में परमेश्वर के साथ चलना एक बहुत ही अलग है, लेकिन हम चल भी नहीं सकते बिना परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। तभी तो जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में 17 अध्याय, निकालिए उस वचन को, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय, उसका पहला वचन से पढ़ें, जेनेसिस चैप्टर 17:1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और वहाँ पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया, सच में जब परमेश्वर ने, जब यहोवा ने अब्राहम को बुलाया तो उसने मना नहीं किया, बल्कि प्रभु ने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, तो वो चलने लगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जब प्रभु हमें बुलाता है, तो जब हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, तो जब हम पीछे पीछे चलते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि पीछे पीछे चलने से क्या होगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के पीछे पीछे चलने का मतलब आशीष वो आती है हमारे जीवन में। जैसे पतरस था, प्रभु ने कहा जाल डाल, तो उसने जाल डाला, लेकिन उसके बाद वो प्रभु यीशु के पीछे हो लिया और उसके बाद देखते हैं उसके जीवन में आशीष रही। तो जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो आशीष को प्राप्त करते हैं। जब अब्राहम, जब परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहा था,
तो प्रभु ने उसके जीवन में सारे बंद दरवाजे खोल दिए और वो आशीषित व्यक्ति होकर बदल गया। हालेलुया, बस इतना ही काफ़ी है। उसने उसके जीवन में अद्भुत कामों को देखते हैं, और जो उसके बेटी की आशीष नहीं थी, आप सभी जानते हैं, जो उसके पास बेटी की आशीष नहीं थी तो परमेश्वर ने उसे बेटी की आशीष दी 100 साल की उम्र में। क्योंकि क्यों? क्योंकि वो उसके परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहा था। आज आपका हो सकता है गर्भ बंद हो गया होगा, डॉक्टर ने कह दिया होगा आपका बच्चा नहीं हो सकता, डॉक्टर ने कह दिया होगा आप कंसीव नहीं कर सकते। जब हम ठान लेते हैं हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलेंगे तो सब कुछ खुल जाता है, सब कुछ आशीष हो जाता है, आशीषित होकर बदल जाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और एक सिस्टर गवाही देती है, डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता। वो सिस्टर बताती कि उसने प्रार्थना सुनना शुरू किया जनवरी महीने से, मंथ से लगातार प्रार्थना सुनती गई, 4 महीने हो गए, और उसके बाद वो अचानक से फिर उसको पता चला कि उसने कंसीव कर लिया है और वो प्रेग्नेंट हो गई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु अद्भुत है। जो जब डॉक्टर कह देता है कि अब नहीं हो सकता, वहाँ पर परमेश्वर कार्य करता है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब प्रभु वहाँ पर कार्य करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन उसका एक ही रीज़न है, क्यों? जब वो सभी बोलते कि अब 4 महीने से प्रार्थना सुन रहे हैं तब हमारे जीवन में कार्य हो रहा है। यही बात आप नहीं समझते, यही रीज़न है। जब हम परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं लेकिन हम डिसीजन लेते कि हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलेंगे, वचन सुनते हो, वचन आपके जीवन में कार्य करता है, और आप परमेश्वर के अनुग्रह से आप अब फैसला ले पाते कि नहीं, मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, मुझे कोई गलत काम नहीं करना, मुझे शराब नहीं पीना, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे ईमानदार बनना, मुझे कोई गलत काम नहीं करना, तब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। जब हम फैसला लेते हैं कि मुझे तो परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है, तो जब हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं तो अब हमारे जीवन में आशीष आती है। हालेलुया, तरक्की आती है, प्रमोशन आती है, परमेश्वर ऊंचा करता है। हालेलुया, और जब हम अपने जीवन में प्रभु को हम पहला स्थान देते हैं हर एक बातों में, हर एक अपने जीवन में, हर एक जीवन के क्षेत्र में, तो प्रभु हमें ऊंचा करता, आपको ऊंचा करेगा, आपको प्रमोशन होगा, परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करेगा और आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, इसलिए संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, तब प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दाऊद को देखिए उसके जीवन में, जब हम 1 क्रॉनिकल 11:9 में पढ़ते हैं कि दाऊद की मान प्रतिष्ठा बढ़ गई, सम्मान बढ़ गई, और आशीष पर आशीष उसके जीवन में बढ़ता गया, क्योंकि प्रभु उसके साथ था, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि वह प्रभु को कभी नहीं छोड़ा, उसके पीछे पीछे चला। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, महिमा में छुटकारा देने वाला, सब कुछ करने वाला है, तो आप ऐसे कैसे भूल सकते हो शद्रख मेशख अबेदनगो के बारे में? वो भी प्रभु के पीछे पीछे चले, उन्हें तो सजा सुना दी गई थी कि बस डाल दो आग की भट्टी में, आज कह दिया जाए कि तुझे गोली मार दी जाएगी, और आज हो भी रहा है ऐसे। चल बोल यीशु मसीह मेरा परमेश्वर नहीं है। तो जो जिनको वचन, जो परमेश्वर में मजबूत है, जो सचमुच में प्रभु से अनकंडीशन जो प्रभु से प्रेम करते, मतलब बिना स्वार्थ के प्रेम करते, चाहे उसे गोली मारने के लिए बोल दिया जाए, चाहे उसके गला काटने के लिए बोल दिया जाए, वो को तब भी वो बोलेगा यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर, चाहे मुझे मार जो मर्जी कर, मैं प्रभु का हूँ। क्योंकि उसे पता वो मरने के बाद प्रभु यीशु को देखेगा, प्रभु यीशु के पास रहेगा और वहीं पर जाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। यदि डिनाई कर देता, यदि वो बोलता है कि नहीं 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 मुझे नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं मानता परमेश्वर को, तो मर के कहाँ जाएगा? डायरेक्ट वहीं जहाँ नरक है। और एक मैं आपको ब्रदर की मैं गवाही बताना चाहती हूँ। उसके जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम हुए, बहुत ज़्यादा, और उसके जीवन में उन्होंने स्वर्ग और नरक का दर्शन देखा। दर्शन बिजली के समान, पहले वो प्रार्थना कर रहे थे, बिजली के समान उनके ऊपर आया, मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि प्रभु उसे उस स्थान में ले गया, नरक में, स्वर्ग और नरक में। और एक जन के बारे में बताया, उसके रिश्तेदार में से कि एक रिश्ते जिसका एक रिश्तेदार था वो नरक में है। और क्योंकि वो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ चला गया, क्या स्वर्ग में कि नरक में है, ये जो मर गया मेरे रिश्तेदार में से, ये कहाँ चला गया? तो प्रभु ने उसे बात की और बताया ये यहाँ पर है, मतलब ये नरक में है। और उसके विषय में बताया कि ये नरक में, क्योंकि ये शराब पीता था, इसने शराब नहीं छोड़ा, तो आज ये नरक में। फिर दूसरे रिश्तेदार के बारे में भी परमेश्वर ने बताया कि देख ये स्वर्ग में होगा, वो मरा भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने पहले ही बता दिया कि ये स्वर्ग में होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लेकिन मैं टाइम लिमिटेशन की वजह से मैं थोड़ा सा ही बता रही हूँ कि स्वर्ग और नरक के बारे में उस भाई ने दर्शन देखा, बहुत ही ऐसी चीज़ें देखी। लोग नरक में रो रहे, बोल रहे हाय हाय, पानी दे दो, एक पानी की एक घूंटी पिला दो, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर देखा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पीछे चले, जब प्रभु आपको बुलाता है तो उसके पीछे हो ले, प्रभु आपको सेवा करने के लिए बुलाता है तो उसके पीछे हो ले, प्रभु की मर्जी करे, प्रभु की मर्जी में आशीष है। प्रभु यीशु ने बुलाया मेरे पीछे हो ले, तो पतरस हो गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जब प्रभु आपको बोलता है ये कर तो वो आपको करना है। प्रभु परमेश्वर की जब आप मर्जी करोगे तो अपने जीवन में आशीष को देखोगे, तरीके को देखोगे, प्रमोशन को देखोगे, आशीष को देखेगी। जो पाप है आपके जीवन में उससे तौबा करो, बोलो कि आज के बाद ये गंदगी चीज़ मेरे जीवन से निकल जाए, मैं नहीं करूँगा, ये सब चीज़ों में हाथ नहीं लगाऊंगा। यदि शराब पीते तो माफ़ी मांगे, जुआ खेलते तो माफ़ी मांगे, आप गलत चीज़ों में पड़े, संबंध है आपका किसी की चीज़ किसी लड़कियों के साथ या किसी लेडीज़ के साथ, तो माफ़ी मांगे, प्रभु मुझे माफ़ कर, आज के बाद मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। और देखो जो प्रभु यीशु के साथ 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 चलने के कारण जो साधारण मनुष्य था वो आशीष होकर बदल गया, जैसे पतरस। मूसा को देखो और यहोशू और कालेब के जीवन के बारे में देखो, शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन, यहाँ तक कि अय्यूब को कैसे भूल सकते हैं, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इतनी दुख तकलीफें आई, आजमाइशें आई, लेकिन तब भी टस से मस नहीं हुआ, प्रभु में बने रहा, तभी तो दोगुना डबल फोल्ड ब्लेसिंग उसके जीवन में आई, डबल ब्लेसिंग। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। तो सच में हम प्रभु के पीछे पीछे चलते तो हमारे जीवन दुख आजमाइशें कष्ट मुसीबत तकलीफें आती, हो सकता है आपके घर में से कोई प्रभु के पास चला गया होगा, लेकिन तब भी आपको प्रभु में स्थिर रहना है। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी, हो सकता है आपके पास कुछ नहीं, लेकिन तब भी आपको परमेश्वर में चलना है। आजमाइशें आएंगी, दुख मुसीबत आएंगी, जब तक सोना को आग की भट्टी में न डाला गया तब तक पता नहीं चलता कि वो खरा सोना है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से हम खरा सोना होकर निकलेंगे, खरे विश्वासी। विश्वासी और खरे विश्वासी में भी अंतर है। आप हो सकते हैं आज विश्वासी होंगे, हो सकते नाम के विश्वासी होंगे, लेकिन जो दुख में होकर गुजरते हैं, जब हम आजमाइशें में होकर जाते हैं, लेकिन तब भी हम खड़े रहते हैं, तब हम खरे विश्वासी होकर निकलते हैं। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरे मत, घबराए मत, जितनी मर्जी शैतान का जोर आप पर चले, जितना मर्जी, लेकिन आपको अड़े रहना है, आपको खड़े रहना है, चाहे आपके जीवन कितनी भी भयानक से भयानक बातें हो रही हों, तब भी आपको परमेश्वर में रहना है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति। कितने लोग परमेश्वर के मुंह को देखना चाहते हैं, प्रभु के चेहरा को देखना चाहते हैं, कितने लोग जो प्रभु की वाणी को सुनना चाहते हैं। यदि आपके मन में ऐसा आग्रह है, तब भी आप आजमाइशों में, दुख में, कष्ट में, मुसीबतों में, तकलीफ में आप चलते रहेंगे, उसके पीछे पीछे जाएंगे, तभी तो हम परमेश्वर के गीत को गाते हैं। तो आइए उस गाना को गाएं, पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे। आमीन, कितने लोग परमेश्वर के पीछे पीछे चलने को तैयार है, तो मेरे साथ मिलकर ये गाना को गाएं, पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे, वही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी, वही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी, पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से, पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से, पीछे पीछे यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे, एक ही है परमेश्वर बीच वही भी, एक ही है, एक ही है परमेश्वर बीच वही भी, एक ही है विश्वास भी, एक ही है बपतिस्मा भी, एक ही है विश्वास भी, एक ही है बपतिस्मा भी, एक ही है आत्मा में हमें वो कर आगे बढ़ जाएं, आत्मा में हमने वो कर आगे बढ़ जाएं, वो ही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी, वो ही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी, पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से, पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे, पीछे पीछे
उसी ने प्रेम से अपने आप को दे दिया, हमको उसके साथ गद्दी पर बैठाने को, हमको उसके साथ गद्दी बैठाने को, जय पाने वाला उसके साथ गद्दी पर बैठेगा, जय पाने वाला उसके साथ गद्दी बैठेगा। वही है रास्ता सच्चाई जीवन भी, वही है रास्ता सच्चाई जीवन भी, पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से, पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से, पीछे पीछे चले जा यीशु के पीछे, मसीह के प्रेम में हमको बढ़ना चाहिए, मसीह के प्रेम में हमको बढ़ना चाहिए, हमारा प्रेम सा समझ के साथ बढ़ना है, हमारा प्रेम सा समझ के साथ बढ़ना है, भरपूरी हम परमेश्वर के पाने के लिए, भरपूरी हम परमेश्वर के पाने के लिए, वो ही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी, वो ही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी, पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से, पाएंगे हम जय उसके जाने से, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे, वही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी, वही है रास्ता सच्चाई और जीवन भी, पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से, पाएंगे हम जय उसके पीछे जाने से, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे। हालेलुया। तो कितने लोग परमेश्वर के पीछे पीछे चलने के लिए, जाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग परमेश्वर के साथ पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए तैयार है तो सभी बोलें हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में जब हम प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं तो पतरस को देखो, वो जो साधारण मनुष्य था, एक ऑर्डिनरी वो जो था, वो एक असाधारण मनुष्य होकर बदल गया। मतलब वो एक विशेष मनुष्य होकर बदल गया, और आज उसकी गिनती चेलों में, और आज उसका नाम बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। अशद्रक मेशक अभिदन्यगो को, उसके पद को ऊँचा गया जब वो प्रभु के पीछे पीछे चला। चाहे उसे बोल उसको बोल दिया गया कि जा तुझे आग में डाल दिया जाता, लेकिन वो प्रभु में स्थिर रहा, तभी तो उसके पद को ऊंचा किया गया। आमीन। क्योंकि प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं तो ऑटोमेटिक सारे पद, सारे प्रमोशन, सारे चीज हमारे पीछे पड़ कर, तभी तो प्रभु का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के पीछे पीछे जाएंगे, जब हम परमेश्वर को खोजेंगे, तब सारी चीजें आपके पीछे पीछे पड़ कर मिलेगी। आमीन। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं तो सब कुछ हमारे जीवन में आशीष हो, चाहे घर की ब्लेसिंग हो, चाहे नौकरी में ब्लेसिंग हो, चाहे वीजा में ब्लेसिंग हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ हमें पीछे पड़कर मिलेगी। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, शद्रक मेशक अबेदनगो को, दानियल को परमेश्वर ने ऊंचा किया। हालेलुया। पतरस को, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। और यहां तक हम देखते हैं एलिया और हनोक और एलिया, वो जो साथ साथ चलते थे और वो स्वर्ग में उठा लिए गए। ओ हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। वो जीवित उठा लिए गए स्वर्ग में। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जो हनोक जो था, जो धरती में 365 वर्ष तक वो जीवित रहा और परमेश्वर के साथ चलता रहा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ चला, तभी तो वो उठा लिया गया। जब हम पढ़ते इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय, उसके
पांच और छठा वचन में जब पढ़ते कि विश्वास इसे अनोहनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दे दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आमीन, हालेलुया। और दूसरे व्यक्ति जो था, और जब हम पढ़ते हैं सेकंड किंग एंड चैप्टर 2 एंड वर्स 11, तो जब हम दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय में पढ़ते उसका 11 वचन में, तो वो जो था एलिया था, पढ़े उस वचन को, दूसरा राजा दूसरा अध्याय 11 वचन, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। ओ हालेलुया। और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय स्वर्ग के रथ और सवार। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि वो बात कर रहा था, चलते चलते बातें कर रहे थे, अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उसको अलग अलग किया और वो पमंडल में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एंड थर्ड, तीसरा कौन था, आप सभी जानते हैं, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो जीवी थी वो स्वर्ग में उठा लिए गए। हालेलुया। और हम क्या देखते हैं, जो प्रभु के पीछे पीछे चला तो वो क्या हुआ, वो आज्ञाकारिता के साथ, विश्वास के साथ, तो वो स्वर्ग में उठा लिए गए। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और सच में जो प्रभु के पीछे पीछे चलता है, प्रभु उसे ऊंचा करता है, उसके जीवन को ब्लेस करता है, उसको ऊंचा करता है, उसे बढ़ाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। अब आप सोच रहे होंगे, मैं कैसे प्रभु के पीछे पीछे चलूँ, मैं कैसे, कौन कैसे परमेश्वर के साथ चल सकता है। सच में हम अपनी बुद्धि के साथ नहीं चल सकते, हम अपने जोर के साथ नहीं चल सकते, लेकिन ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जब हम परमेश्वर जब बुलाता है तब हम उसके पीछे पीछे चल सकते हैं, जब प्रभु हमें विशेष अनुग्रह कृपा देता है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, प्रभु का धन्यवाद। और जब हम पढ़ते हैं हम उसकी किताब में तीसरा अध्याय तीसरा वचन में, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हों तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। तो दैट मीन्स, इसका मतलब है कि इसीलिए आज परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ में, क्योंकि उनके विचार एक नहीं होते, एक दाएं और एक बाएं, इसलिए परेशानी आती है। जब हम इसी प्रकार से, जब हमारा 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 विचार एक नहीं होता, हम परमेश्वर में नहीं रहते, एक नहीं होते, प्रभु कहता है लेकिन उसकी बात नहीं मानते, प्रभु कहते हैं मत कर लेकिन हम किसी और जगह जाएंगे, प्रभु कहता है ना कर तब भी हम करेंगे, प्रभु कहता है उस जगह मत जा तब भी करेंगे, प्रभु कहता है उसके साथ ना जा लेकिन तब भी करेंगे, तो मतलब विचार नहीं मिलते, वो परमेश्वर, आप उनकी बात नहीं मानते, तो कैसे वो, कैसे हम परमेश्वर के उसमें बनेंगे, उस आशीष को पाएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब विचार नहीं मिलेंगे तो उसके लिए हमें प्रभु के करीब आना होगा, अपने पापों को माफ़ी मांगे, तौबा करें, परमेश्वर के निकट आए, प्रभु मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं पीछे आपके पीछे पीछे चल सकूं, जैसे हमने गीत गाया, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे, एक ही रास्ता है, एक ही बिछवई है, केवल एक ही बपतिस्मा है और एक ही विश्वास है और कुछ नहीं है इसके अलावा, ओनली वन ओनली जीसस क्राइस्ट एंड नथिंग, जीसस के सिवा और कुछ नहीं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। सच में जब हम प्रभु के पीछे चलते तो हमारा स्वभाव, हमारी बोली में, हमारे चाल चलन में, हमारे स्वभाव में, सब कुछ वो बदलाव आने लग जाते हैं। आमीन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। तो पीछे पीछे चलते हैं तो सब आशीष में होकर बदल जाता है। तो कितने लोग प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं, सभी बोले आमीन, सभी बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सच में जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन में आशीष को लेकर आती है। तो आज से आप बोलें कि आज से मैं प्रभु तेरे पीछे पीछे चलूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, प्रभु मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, आपके वचन के अनुसार मैं करूंगा, परमेश्वर पिता मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस खा, प्लीज़ गिव मी योर लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस गिव मी अ ग्रेस, लॉर्ड जीसस मुझे अनुग्रह दे, प्रभु मुझ पर उस अनुग्रह को उंडेल दे, पिता परमेश्वर जीसस प्लीज गिव मी अ न्यू ग्रेस, परमेश्वर मुझे नया अभिषेक दे, नया अनुग्रह से मुझे भर दे, पिता परमेश्वर मुझे आपके पीछे पीछे चलना है, मुझे पहला प्रेम से, उस अगापे लव से, उस कंडीशन लव से भर दे, भर दे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करें, आमीन, प्रभु का धन्यवाद। सच में तब आप पीछे पीछे चलने लगेंगे परमेश्वर के, हालेलुया। जैसे मैंने बताया, एक विश्वासी होता है, खरा विश्वासी, तो जब तक विश्वासी उस परीक्षा में से होकर नहीं निकलता तब तक पता नहीं चलता कि खरा है कि नहीं है, कि नामधारी है। जब वो अजमाइशी आती, दुख आती, कष्ट मुसीबत तकलीफ आते, लेकिन तब भी परमेश्वर बने रहते हैं, खड़े रहते हैं, हाँ, तभी एक विश्वासी, खरा विश्वासी होकर निकलता है। तभी हम कह सकते हैं, हाँ, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे, वो ही है रास्ता सच्चाई और जीवन, भी पाएंगे जय हम।
उसके पीछे जाने से पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे, तो प्रभु के पीछे पीछे चले। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। एक ही रास्ता है, एक ही बिचवई है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसे जैसे हमने गीत गाया, एक ही है परमेश्वर, बिचवई भी एक ही है, विश्वास भी एक ही है, बपतिस्मा भी एक ही है। आत्मा में हम में होकर आगे बढ़ जाएं, पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे। हालेलुया। अपने आँखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, जो आपने स्वर्ग से इस वचन को भेजकर अपने बात किया, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सच में आपके पीछे पीछे चलने के लिए सभी भाई बहनों की अगुवाई करना पिता परमेश्वर, पीछे पीछे चलने के प्रभु अगुवाई करना पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रबा शेरले बके तेरे डबतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ अब सब प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कहते हैं मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब आप बोलेंगे मैं यीशु के नाम से सब कुछ कर सकता हूँ, प्रभु यीशु के समर्थ जब तौबा करेंगे, जब मन फिरेंगे, जब आप अपने पापाओं से पश्चाताप करेंगे, बोलेंगे आज के बाद नहीं करूँगा और फैसला लेंगे और बोलेंगे आज से प्रभु तेरे पीछे चलूँगा, तो सच मुझ में प्रभु के पीछे चलने लगेंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। और जब आप करेंगे तो आप अपने जीवन में उस आशीषों को देखेंगे उतरता हुआ। तो अपने अपने पापों से मन फिराए, गलत चीज़ों को अपने जीवन से दूर करें, शैतान के प्रोडक्ट को अपने जीवन से फेंक दें, थ्रो कर दें उसको। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर जीवित है और आपके जीवन को, आपके पति के जीवन को, आपके बच्चों के जीवन को, आपके परिवार के लोगों को, हर एक सदस्य को भी वो बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ सभी लोगों के लिए ईश्वर के सामर्थ्य नाम है। प्रभु जी जितने लोग आज वचन को सुने हैं वो 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके, क्योंकि वचन ही हमारे जीवन की रोटी, हमारे जीवन का आधार है। और वचन ही, वचन एक जीवित है और वचन के अनुसार हमें जीने के लिए मदद और सहायता कर, उसके पीछे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। सभी लोगों के जीवन मदद कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती सभी लोगों को आपके पीछे पीछे चलने के लिए, आपके आज्ञाकारिता में बने रहने के लिए, विश्वास में स्थिर रहने के लिए प्रभु यीशु जी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। न्यू ग्रेस दे दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए सभी लोगों के जीवन में। प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। रबा शेरले बके तेरे डबतिरा। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, अनुग्रह से भर दिया परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। रबा बाबा शेरले बेगे धीरे डबगा धीरे लब धीरे के धीरे डब तिरा। अनुग्रह कोंडेल दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। राजाओं का राजा, महिमा मैं छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला, धन्यवाद करते हैं। जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग मेडिसिन खा रहे हैं, मेडिसिन को अपने पास में रख लीजिए। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ उस व्यक्ति यीशु मसीह के समान विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करें अपने जीवन में। मेडिसिन को रख ले तो मेडिसिन के ऊपर हाथ रखें। हालेलुया बाबा शे। लेकिन उससे पहले अंगीकार के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। बोले प्रभु जी मुझे माफ कर, आपने लहू से मुझे धोकर पाकर पवित्र शुद्ध कर। प्रभु आज के बाद ये पाप नहीं करूंगा, जो भी मैंने पाप किया अपने लहू से मुझे धोकर पाकर पवित्र शुद्ध कर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज से मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। हालेलुया। अपने लहू से मुझे धोकर पाकर पवित्र शुद्ध कर। मुझे नया मनुष्य बना दे, मुझे नई सृष्टि बना दे। ओ लॉर्ड जीसस। प्रभु अपने ब्लेस कर दे। मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। जितने लोग अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। हालेलुया। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, लॉर्ड जीसस, जितने लोग दुख में, तकलीफ में, बीमारी में है, ओ मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के समर्थन में, जो आज दवाई खा रहे, मेडिसिन खा खा के थक चुके लेकिन कुछ भी वर्क नहीं करता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के समर्थन में, जो मेडिसिन है उस दवाई पर प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, ये दवाई से जल्द छुटकारा दो पिता परमेश्वर। आप ही हमारी दवाई हो प्रभु जी, आप ही हमारा डॉक्टर को डॉक्टर हो, आप ही हमारा वैद्य। डॉक्टर ने क्या दिया नहीं हो सकता, लेकिन हम मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि अब डॉक्टर अब वैद्य, वचन ही हमारे जीवन की रोटी, वचन ही एक दवाई है, वचन रूपी दवाई को हम खाते प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। और ये रिजल्ट आने वाला हम विश्वास करते पिता परमेश्वर। ये वचन रूपी दवाई को जम खाते हैं और हमारे जीवन में वर्क कर रही है, लेकिन ये जो दवाई है इससे हमें छुटकारा दे, इन सभी भाई बहनों को छुटकारा दे, पूर्ण रीति से छुटकारा दे, चंगा कर। जो दवाई आज इनके जीवन में कार्य नहीं करती, मैं प्रार्थना करती मेडिसिन कार्य करने लगे यीशु के समर्थन में, जल्द अब दवाई के साथ वापस आने पाए। मैं प्रार्थना करती जल्द से जल्द परमेश्वर को दवाई से छुटकारा दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, हर प्रकार की, हर प्रकार के जो पेट के दर्द है, पेट में जो रसौली है, यूट्रस है प्रॉब्लम है, यदि कुछ भी ऐसे पेट पर सूजन है, जो किडनी फेल्यूर
रहे, यदि किडनी काम नहीं करता, आपका लीवर काम नहीं करता, आपका यूट्रस है प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करती हूँ चादर चंगे हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके गले के दर्द जाए, रसौली को मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम, आजाद हो जाए, पथरी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की गिल्टी, कहीं पर भी गिल्टी है तो मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम, आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पीठ का दर्द, आपका बैक बोन, आपके हड्डी की रुकती है समस्याओं से आजाद हो जाए, आपकी आंखों की रोशनी वापस है, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके कानों के दर्द आज से आजाद चंगे हो जाए, आपका आपके कान के पर्दा जो फटा हुआ जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते आपके आगे हेयर फॉल के प्रॉब्लम जाओ और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आगे हड्डी के रोगों की, आर्थराइटिस की समस्या से ज्यादा चंगे हो जाए, चलने फिरने लगे, जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो दौड़ नहीं सकते वो दौड़ने पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए। जितने भाई बहन हॉस्पिटल में प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ बे जल्दी बड़ी दवाई नेम ऑफ जीसस का आजाद और चंगे हो जाए। जिनका कोरोना पॉजिटिव है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका रिपोर्ट निगेटिव आने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, अपने छुटकारा दे दी, अपने ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हर प्रकार की लाइलाज बीमारी से जाद हो जाए, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको कैंसर की बीमारी है, बेजल्दी वर्डी द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। जिनकी हार्ट की बीमारी है, बेजल्दी वर्डी द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके टीवी है, जिनको हर प्रकार की रोग है, जो लाइलाज बीमारी, मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा चंगे हो जाए। जिनको बार बार टाइफाइड होता है, जिनको बार बार पीलिया होता है, जिनको बार बार बुखार होता है, जिनको बार बार सर्दी खांसी होता है, आई रिबुक यू मस्ट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। रोगों की दुष्टात्मा जाओ, रोगों की दुष्टात्मा जाओ, जाओ 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में, छुटकारा पाओ प्रभु। अपने छुटकारा दे दिए प्रभु जी, आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोग से आजाद हो जाए। बीपी और शुगर बेजल्दी बड़ी दमा जी ने जीसस का आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य ने। रबा शेरे लेबे के तेरे डबा तिरा, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खती रबा शेरे से लेबे के तेरे डबे के ते यीशु के सामर्थ्य नाम। बिजली वर्ड प्रार्थना करती हूँ, जमीन का केस जो चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ बिजली वर्ड बिजली वर्ड, जो भी कब्जा कर लिया आपका जमीन को, परमेश्वर बोल रहा बार बार किसके लिए, प्रार्थना कर जमीन के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ जब आपका जमीन को कोई ले लिया, या फिर आपका नाम में नहीं है, या धोखे से कुछ भी आपके जमीन से रिलेटेड कुछ भी ऐसी फ्रॉड है या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए बिजली वर्ड माइटी नेम ऑफ जीसस को। जो आपका जमीन को कब्जा कर लिया, उसका मन बदल जाए और आपको जमीन को वापस करने पर वाचा के साथ प्रार्थना करें कि आप क्या करेंगे परमेश्वर के लिए। अब क्या करेंगे जब, यदि परमेश्वर इतने साल से जो फंसा हुआ है, जब परमेश्वर जो आपको देने जा रहा है, क्या करेंगे? वाचा के साथ प्रार्थना करें, वाचा बांध के परमेश्वर के साथ वाचा प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य आपका जमीन वापस मिले, आपका रुको हुआ पैसा वापस मिले, आपका काम बनने लगे, आपका जमीन सेल नहीं हो रहा, आपका घर सेल नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो अच्छे दामों में सेल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, आपने अनुग्रह डेल दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ जिनका घर नहीं बन पा रहा, मैं प्रार्थना करती हूँ उनका घर बनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया 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 बिजली वर मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए, आपका जमीन में आशीष आने पाए। हालेलुया अपने अनुग्रह से भर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपके रुके हुए काम बनने लगे, आपका बिजनेस खुल जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य। आपका नौकरी को मैं ब्लेस करती हूँ, ब्लेस्ड इज द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। आपका गवर्नमेंट नौकरी पक्की है यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ हालेलुया हालेलुया रबा शेरे लेबे के तेरे डबा तिरा, आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है, आपका वीजा पक्का है यीशु के सामर्थ्य। आपका डॉक्यूमेंट को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जो एजेंट है, एक एजेंट है, आपका पैसा वापस करने जा रहा है पूर्ण रीति से, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका एजेंट वापस, जो इतने सालों के पैसे वापस नहीं करा था, वो करने जा रहा है। आपके रुके हुए पैसे वापस मिलने जा रहे हैं, जो आपको बोल बोल के थक चुके थे, अब वो वापस करने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ सब कुछ आपका जीवन आशीष में होकर बदल जाए। जब पीछे पीछे चलोगे यीशु के, तो सब कुछ आशीष में होकर बदल जाएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते जो कंसीव नहीं कर पाते। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको गुप्त प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अद्भुत है, वो तो परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है, बिना यूट्रस के भी परमेश्वर वो ब्लेसिंग दे सकता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप कंसीव करने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपके जीवन में गवाही आएगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूँ अपने छुटकारा देती, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके बच्चे बीमार हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा चंगी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बुखार के स्पिरिट गेट आउट, जो खाना नहीं खाते आपके बच्चे, बी डिलीवर्ड और ज्यादा ज्यादा चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, अपने छुटकारा दे दिया, चंगाई उंडेल दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुन दे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। आपके आपके शादीशुदा जीवन ब्लेस होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस होकर बदल जाए। जो नशा करते हैं, बिजली वाड़ी द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो बुरी संगति में, बिजली वाड़ी द माइटी नेम ऑफ जीसस। बुरी आदत जाए, बुरी संगति जाए, बुरे संबंध से आ जाए, बुरे गलत संबंध, गलत चीजों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लगातार गेम खेलते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो गैम्बलिंग करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में बिजली वाड़ी द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा देती, अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद।
करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। जितने लोग हैं पिता परमेश्वर आपके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, ओ लॉर्ड जीसस, जो 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 फैसला ले रहे कि प्रभु आपके पीछे पीछे चलेंगे, 100 गुना फल आपके जीवन में आने पाए यीशु के समर्थन। जितने लोग वचन सुने आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलने पाए यीशु मसीह के समर्थन में, जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने अफ्रीक अपने 20 दशमांश को देते हैं, ओ हालेलुया, प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आनंद में आशीष में होकर बदल जाए और आप अपनी कमाई का आपका आप अपनी कमाई में आनंद उठा सके, आप अपनी कमाई का भरपूरी के साथ आप आनंद ले सके और सब कुछ जरूरत पूरा हो सके यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूँ, अनुग्रह दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु आज अनुग्रह से भर दिया सबको, सबके जीवन में अपनी गवाही से ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। अब जल्द आने वाले उसके लिए तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, अनुग्रह से भर दीजिए और एक खरा विश्वासी होकर बदलने के लिए मदद और सहायता करो पिता परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट, उसके तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी भेंट अपने दशमांश को अपने ऑफरिंग को गूगल पे पेटीएम के फोन के थ्रू आप परमेश्वर के राज्य में अपने बीज को बो सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। अपने दशमांश को आप इन इन आप अपने दशमांश को अपनी भेंट को आप गूगल पे पेटीएम के फोन पे के थ्रू आप दे सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आप गवाही देने के लिए न शर्माए प्रभु जो आपके जीवन में कार्य करता है। आप अपनी गवाही को रिकॉर्डिंग करके, वॉइस रिकॉर्डिंग करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया गवाही देने के लिए उस पर आप अपनी गवाही को जरूर भेजें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मसीह की तरह चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तभी आप रोज प्रार्थना का वीडियो को सुन सकेंगे और हालेलुया और आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ सकेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और ये मिनिस्ट्री जो प्रभु यीशु ने दिया है, आपने इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना है और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए जो काम चल रहा है उसके लिए भी प्रार्थना करना है। मेरे लिए इस टीम प्रेयर वॉरियर जितने लोग प्रार्थना करते हैं, टीम वर्कर्स के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें ताकि और हम काम कर सकें और भी ज़्यादा से ज़्यादा हम आत्मा को लोगों को बचा सकें और बचाना ही नहीं बल्कि हम सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य के लिए हम उपस्थित कर सकें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु में सदानंदित रहें। और शुक्रवार को उपवास प्रार्थना होगी, आप सभी लोग तैयार रहना और आपसे मिलेंगे सुबह शाम की प्रार्थना जरूर सुने और प्रभु के पीछे पीछे चले। प्रभु में सदानंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। और हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में शाम को 6 बजे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।